सर्दी और सर दर्द के लिए हम हेड मसाज लेने वाले हैं, इंडियन चंपी हेड मसाज लेने वाले हैं। उसके लिए हम नवरत्न तेल यूज करेंगे। बहुत से क्लाइंट ने हमें बोला था कि मैम इंडियन चंपी हेड मसाज दिखा, तो स्पेशली वर्स के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो बालों में डैंड्रफ भी है मैडम के, ड्राइनेस भी है, सर्दी भी है और सर दर्द भी है। थोड़ा कॉटन लेंगे, सर दर्द है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, या कोल्ड है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में सर के माथे के ऊपर अच्छे से ऑयल डाल दे। एक हाथ से यहाँ पे होल्ड करें और अच्छे से रबिंग करें। तो इससे आपका जो सर दर्द है वो कम हो जाएगा। अभी मिडल पार्टिंग करके स्कैल्प में अच्छे से ऑयल लगा ले। स्कैल्प में अच्छे से ऑयल लगाने के बाद
स्किन को रबिंग करते हैं, ऑयल लगाते लगाते स्किन को रबिंग करते हैं। इतना प्रेशर ठीक है? दोनों हाथों को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में लेकर राउंड डायरेक्शन में स्कैल्प पे मसाज करें और उसके बाद नीचे से लेके रिलैक्सेशन दीजिए। फिंगर्स को थोड़ा प्रेस करके रिलैक्सेशन दें।
हथेली के ही कॉर्नर से स्कैल्प को ऊपर की डायरेक्शन में रबिंग करें, तो उससे जो स्कैल्प को चिपका हुआ जो डैंड्रफ होगा वो लूज हो जाएगा और ऑयल भी स्कैल्प में अच्छे से मर जाएगा। अगर आपका सर दर्द करता है, कोल्ड है या फिर बालों में ड्राइनेस है, तो ये नवरत्न आयुर्वेदिक ऑयल जो है वो काफ़ी आराम देता है। टेम्पोरल बोन पे अच्छे से राउंड डायरेक्शन में मसाज करें और मसाज करते करते ईयर के पॉइंट पे आ जा। सेम डायरेक्शन में दूसरी तरफ भी मसाज कर ले। इसी तरह अपने आईब्रोज पे हाथ रख के आईब्रोज का ये जो नोज के यहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं उसी को प्रेस करें और दो फिंगर से आईब्रोज पे धीरे धीरे प्रेस करते जाए। प्रेशर है क्या हाथों को? है ना? नोज हल्की हो गई क्या? नहीं भी। फाइव फिंगर से स्कैल्प को अच्छे से मूव करें
हमारे कुछ व्यूअर्स ने बोला था कि मैम इंडियन चंपी मसाज दिखाओ, तो आज हम वही यहाँ पे दिखाने वाले हैं।
बाद हम कोडिंग करेंगे। तो इसको चम्पी भी बोलता है। हाथ वर कर, पुढ़े हो, हाथ दे हल्का कर। हल्के मानसो, मोड़ने स्टक क्या था? अरे हल्के से बट ना ही मोड़।
मूड लगा नाही मूड लगा ठीक आहे. हा झाला आपला इंडियन चंपी मसाज. थँक्यू.